बीजेपी के बड़े नेता ने पंचायत चुनाव से अपना नाम लिया वापस। पंचायत चुनाव के लिए ताका प्रथम सीट से जिला पंचायत सदस्य सीट के लिए नामांकन करने वाले भाजपा नेता मनीष यादव ने नामांकन वापस ले लिया है। अभी सीट से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार मंजीत यादव प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ेंगे। ज्ञात रहे कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंजीत यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीजेपी के कद्दावर नेता और जसवंत नगर विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी मनीष यादव पत्रे ने इस सीट पर पार्टी के प्रत्याशी के विरुद्ध अपना नामांकन कर सबको अचंभे में डाल दिया था। उनके नामांकन को पार्टी के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अचानक बदले घटनाक्रम में आज नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन बीजेपी के कद्दावर नेता मनीष यादव ने पार्टी के उम्मीदवार मंजीत यादव के समर्थन में अपनी दावेदारी वापस लेकर पार्टी में अपनी आस्था बरकरार रखी। मनीष यादव का कहना है कि मंजीत यादव ही नहीं, जनपद में जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी की जीत के लिए वो अपनी सारी शक्ति लगा देंगे और इटावा में इस बार बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। मनीष यादव ने कहा कि पार्टी की रणनीति के तहत उन्होंने अपना नामांकन किया था और पार्टी की रणनीति के तहत ही नाम वापस लिया है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि नामांकन को वापस कराने में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय धाकड़े ने अहम भूमिका निभाई है। जी कैसे मना लिया मनीष को, अचानक पर्चा भरा था इन्होंने? मनीष यादव जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन प्रिय व्यक्ति हैं और पार्टी की जो रणनीति थी उस समय ऐसा परिस्थिति थी कि इनका पर्चा भरना आवश्यक था, इसलिए भर दिया। लेकिन जो पार्टी का निर्देश हुआ और पार्टी ने मनीष यादव को चुनाव लड़ना ज़्यादा ठीक नहीं समझा। इनका पूरा जनपद में उपयोग है, अगल बगल के जनपद में भी उपयोग है और निश्चित ही मनीष यादव के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई दबाव की राजनीति नहीं होती, दबाव की राजनीति होती है समाजवादी पार्टी में, जो दबाव में प्रत्याशियों को बिठालते हैं, जबरदस्ती प्रधान बनाते हैं, जबरदस्ती वोटरों को धमकाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता का ही बहुत बड़ा सम्मान है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और मनीष यादव के बारे में आप जानते हैं कि जीवन में दबाव ईश्वर के पब्लिक के अलावा हम किसी का दबाव नहीं मानते, हम पे किसी का दबाव नहीं चलता। लेकिन पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के निर्देशन में चलना है मेरा नैतिक कर्तव्य है और पार्टी जो निर्देश करेगी जिसके लिए करेगी, मनीष यादव सदैव पार्टी के साथ अपने जिलाध्यक्ष जी के साथ सदैव खड़े हैं और वही काम करेगा जो पार्टी निर्देश देगी। स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं? अपनी स्वेच्छा से, पार्टी की रणनीति के तहत पूरी पार्टी हमारी यहाँ खड़ी है। इस पार्टी की देन है जो आज भारतीय जनता पार्टी में गरीब से लेके अमीर तक छोटे छोटा व्यक्ति भी आज पदाधिकारी या प्रत्याशी बन के कार्य कर रहा है, यहाँ सब एक बराबर है और भारतीय जनता परिवार का जो फैसला है मनीष यादव सदैव उसके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के 24 प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, रात दिन एक लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाया है वो जीत के आके अब की बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पदाधिकारी कोई ना कोई सदस्य ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।